बीते दिनों दुनिया में सबसे पावरफुल देश माने जाने वाले अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप ने अपना जलवा बिखेर दिया है। कहा जा रहा है कि अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हराकर ट्रंप ने 4 साल बाद अपना बदला ले लिया है। वहीं ट्रंप की इस जीत के साथ ही पूरी दुनिया में अब चर्चाएं होने लगी हैं। कई देश ट्रंप की इस जीत के बाद खुश हैं, तो वहीं कई देशों में ट्रंप की इस जीत के बाद टेंशन का माहौल हो गया है। इसी बीच ट्रंप की जीत से भारत को भी काफी फायदा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। कई आयोजनों में पीएम मोदी और ट्रंप को एक दूसरे के साथ काफी गर्मजोशी से मिलते हुए देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जब डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में शामिल थे जिन्होंने उन्हें बधाई दी। अपने दोस्त को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर आपको हार्दिक बधाई। जैसे जैसे आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ाएंगे, मैं हमारे बीच सहयोग को नए सिरे से शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ। आइए हम अपने लोगों की बेहतरी और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। वहीं इसी के साथ पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मजबूत संबंधों के कई कारण भी माने जाते हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी है, खासकर आतंकवाद का मुकाबला करने और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय खतरों से निपटने में अहम कदम उठाए हैं। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच निजी तालमेल काफी अच्छा रहा है। इसका पता 2019 में हाउडी मोदी और 2020 में नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े आयोजनों में उनकी सार्वजनिक बातचीत से साफ झलक चुका है। वहीं इसके साथ ही इन आयोजनों ने उनके बीच बेहद खास केमिस्ट्री की झलक भी नजर आई है। दोनों नेताओं की करीबी ने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में मदद की है। ऐसे में ट्रंप की जीत से अमेरिका और भारत के रिश्ते में और अच्छे होने की उम्मीद है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या होता है और कैसे मोदी और ट्रंप अब दोस्ती को एक नए सिरे तक ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।